आलू का भुजिया बना था ना स्टाफ के लिए बनता है, वो गलती हमारी है। यहाँ पे देखिए आपको समोसा समोसे मिल जाएगा पूरा। चाय पूरा नहीं दीजिए, हम लोग तो हल्का ही दीजिए, पर अच्छा चाय दीजिए। रेडीमेड चाय 5 रुपए का है। वाली दही हटा के मिठाई के जगह पे प्याज रखवा दिया, कहाँ का नियम है भाई? प्याज नहीं, खीरा नहीं था सर। मालूम आप नहीं बोलना चाहते हो, अकेले हो या डर रहे हो? बिल के किस बेसिस पे आपने पनीर का काट के दिया 180 का, जरा बताए। बिल आपने ही काटा है ना? जय हिंद दोस्तों, दिस इज राहुल, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की हमारी जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 15909 अवध असम एक्सप्रेस में, जो असम के डिब्रूगढ़ से राजस्थान के लालगढ़ के बीच में चलने वाली डेली रनिंग ट्रेन है। डिस्टेंस और टाइमिंग की बात की जाए तो ये ट्रेन लगभग 3120 किलोमीटर की दूरी 83 हर्ट्ज के साथ अप्रोक्स 66 घंटे में पूरा करती है। और इस ट्रेन को पहली बार चलाया गया था 4 अप्रैल 1986 में। और दोस्तों अभी हमें वैसे आपको दिख रहा होगा असम के डिब्रूगढ़ स्टेशन पे। एक चीज़ बताना चाहूँगा डिब्रूगढ़ स्टेशन के बारे में कि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना तो खाने पीने की कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलने वाली है। अंदर में कुछ स्टॉल हैं, वहाँ से आप खा सकते हैं। और अवध असम एक्सप्रेस का डिब्रूगढ़ से डिपार्चर टाइम है वैसे सुबह के 10:20 पे। और दोस्तों सामने लग चुकी है हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे है ना, और आज की हमारी जर्नी होने वाली है स्लीपर में। तो चलिए, और टाइम देख सकते हैं आप 9:59 10 बजने वाले हैं और 10:20 पे इसका डिपार्चर टाइमिंग है। और यहाँ पे आपको ऐसे ही काउंटर मिल जाएंगे, ऐसे खाने पीने की वस्तुएं अच्छा है। लेकिन एक चीज़ है, इनका पेटी जी डिश खा के देखिए अच्छा लगता है। वैसे मैंने खाया है एक आध है ना, फ्रेश समोसा वोसा नहीं मिलेगा आपको, गर्मा गर्म चीज़ जो है मतलब ये कि तल वल के देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं मिलने वाला है यहाँ पे। आज का हमारा कोच होने वाला है वैसे स्लीपर क्लास में S4, और सीट नंबर होने वाला है 23 और 24। फिलहाल तो सिंकिंग सब साफ है, वॉशरूम इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अभी कोच पूरा ही खाली है ना, ये 23 नीचे वाला और 24। झंडा हिलाते हुए भाई साहब, हरी झंडी हिलाते हुए अपने लोगों को पायलट साहब। तो फ्रेंड्स यही एक असम का खूबसूरत सा एक डिब्रूगढ़ स्टेशन, और मैक्सिमम ट्रेनें इधर पे जो है यहाँ से ओरिजिनेट होती है। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं ये है चाय का बागान है ना, और यहाँ पे मैक्सिमम आपको चाय का बागान ही मिलेगा साइड भी और उस साइड भी। मैक्सिमम भीड़ मुझे लगता है अवध असम का यहीं से होने वाला है, बाकी धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। वैसे स्लीपर में दोस्तों भीड़ ज़्यादा होती है। और भीड़ आप देख सकते हो वैसे यहाँ पे, देख सकते हो यार जबरदस्त भीड़ है हर जगह पे। अवध असम एक्सप्रेस आ चुकी है अपने पहले हॉल न्यू तिनसुकिया जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है
NTSK और यहाँ पे इस ट्रेन का वैसे 10 मिनट का ऑफिशियल हॉल्ट है। अवध असम एक्सप्रेस का तिनसुकिया पहुँचने का टाइम है 11:05 पे और ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 1 मिनट पहले यहाँ पहुँची है। अभी यहाँ पे कुल 3 प्लेटफॉर्म है, 30 ट्रेनें रोजाना के रुकती हैं। असम राज्य का औद्योगिक जिला में से एक है तिनसुकिया और इसे जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रूट माकुम जंक्शन के लिए जाती है। ये यहाँ भी नहीं है, वहाँ से ले लो, आ जा। यहाँ पे देखिए आपको समोसा वमोसे मिल जाएगा, पूरी और क्या क्या बेचते हैं काका? अच्छा, कितने का भैया? तो ना कौन सा ब्लॉक से हैं आप लोग, दे दीजिए। हमन सी ब्लॉक। सी ब्लॉक, आइए भाई साहब, हो गया ठीक है, चलते हैं। टाइमिंग हो ही चुका है, ठंडा ले लिए हैं, अच्छा लगेगा अपने को भी। 10 मिनट का प्रॉपर हॉल्ट दिया गया, इसका कारण है कि ट्रेन यहाँ से भरती है, आगे भी भरेगी और स्लीपर का हाल बहुत बुरा हो जाता है इस ट्रेन में, देखते क्या होता है इस बार। सो फ्रेंड्स, आप वॉल पे देख सकते हैं क्या खूबसूरत कलाकारी की गई है तिनसुकिया पे, और यहाँ पे दिखाया भी गया है कि बागवानी की कितनी अच्छी खेती की जाती है ना। बहुत ऐसा देखो, मतलब होना चाहिए वॉल पे, वहाँ की जो लोकल चीज़ें हैं वो दर्शाई जाए और खूबसूरती बताई जाए कि किसके लिए प्रसिद्ध है। नवे किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अवध एक्सप्रेस पहुंच चुकी है अपने चौथे हॉल्ट मरियानी जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MXN। और यहाँ पे इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है और अभी यहाँ पे कुल 3 प्लेटफॉर्म, 40 ट्रेनें रोज बन के चलती है, एक ट्रेनें ओरिजिनेट और एक ट्रेनें ही टर्मिनेट होती हैं। जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक रूट जोरहट टाउन के लिए जाती है। और सामने आ गई है लालगढ़ डिब्रूगढ़, है ना, मतलब अवध असम एक्सप्रेस। चलिए भाई साहब, 10 मिनट की जगह 20 मिनट रुकने के बाद, क्योंकि सिंगल लाइन है और पीछे जो अवध असम आई उसको दे रहा था, मतलब तो उसका अराइवल था, उसके लिए रोका था। क्वालिटी कुछ ठीक ही ठाक है, कोई खास नहीं है। ये पनीर है, पनीर तो हमको पानी पानी लग रहा है। यहाँ पे एक सूखी सब्जी है, चावल है, पिकल है, यहाँ पे प्याज और खीरा है, और यहाँ पे एक और चावल है, मतलब डबल भात पनीर की सब्जी, पनीर में पनीर है, बाकी कुछ का पता नहीं। पानी का बोतल 20 रुपये में हमने भी ख़रीदा है, कि हमने भी ख़रीदा है, ठीक है ना, 20 रुपये से नीचे जा नहीं रहे वो लोग, तो क्या ही करना, पीना तो लेना पड़ेगा, है कि नहीं? ठीक है, चलिए खाते हैं।
और उसके बाद जो है आपको रिव्यू देते खाना कैसा है। 150 लाइक है अभी के लिए, 150 खाना है, पहले 120 का था अब 150। और गोवा एक्सप्रेस में तो हद मचा दिए थे, गोवा एक्सप्रेस या कौन से भाई साहब 180 पहुँचा दिया था, ठीक है ना 180। चलिए देखते हैं कैसे है खाना। फ्रेंड्स हमने खाना तो वैसे खा लिया है, लंच कर लिया, आपने देखा क्या क्या आया था वो हमने दिखाया आपको, और पूरा लंच नहीं हो पाया। इसका कारण था एक खाना 150 रुपये थाली बोल रहे थे ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं है 150 रुपये थाली ले लो, बट खाने में स्वाद होना चाहिए पहले तो। 150 रुपये मार्केट में जाएंगे ना आपको स्वाद मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। 100 रुपये में भी जाएंगे तो स्वाद मिलेगा, बट इनका ऐसा है जैसे लग रहा है पानी में उबाल के बॉयल करके दे दिया गया हो। पनीर की सब्ज़ी उसमें डाला था, खड़ा परवल आधा आधा करके, बोड़ो का बीज जो होता है वो था उसमें, ना जाने और दो चार चीज़ थी। दाल में भी नमक नहीं था, ये बोल रहे थे उन्होंने नमक आपको दिया, नमक गायब था। ये बोल के कहते स्वीट्स होगा, स्वीट्स नहीं थे, उसकी जगह प्याज था। रोटी था नहीं, इन्होंने पहले बोल दिया था रोटी नहीं मिलने वाला इस रूट पर, अभी रात को मिलेगा, चावल दिया। हमने कहा ठीक है भाई इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप लेके आइए, भूख लगा था और हमारी बैक टू बैक जर्नी जारी है एक्चुअल में। तो हमने इनसे खाने के बाद से जो है 150 की थाली बोली, बिल डिमांड कर ली। लास्ट टाइम आपको याद होगा कि जब हम कोणार्क एक्सप्रेस से सफ़र कर रहे थे उस दौरान पे 130 की थाली दे के 180 का बिल पकड़ाया गया था, और कोणार्क एक्सप्रेस से एक कदम आगे निकल के अवध असम एक्सप्रेस ने 150 का बोल के 180 का बिल पकड़ा दिया। बिल पे हमने ऑलरेडी कंप्लेन रेज कर दिया है, और बिल का नमूना मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार देख लीजिए आप पहले। सो दिस इज द बिल, देखिए 100 रुपये का ये पनीर दे रहे हैं और 80 रुपये का स्टैंडर्ड मिल दे रहे हैं। जब ये खाना किसी को देते हैं तो ये कभी नहीं कहते कि हमारे पास दो तरीके का खाना है। जब आप पूछेंगे कि क्या भैया कुछ कम में भी कोई थाली है आपके पास जो कम प्राइस में हो, तो कहेंगे नहीं, नॉन वेजिटेरियन है, माछ बात है और चिकन समथिंग वाट एवर जो भी मुझे पता नहीं। आप समझिए क्या लूटखोरी है, 15 का बोतल को 20 में बेचा जा रहा है, दो बोतल हम ही 40 में खरीद चुके हैं अभी तक, और बोलने पे ये कह रहे हैं आप उनसे बिल मांगिए। हाँ हमने भी तो तुमसे बिल ही मांगा था, ये क्या दिया है ये 180 कप। और कहने का ये कि 30 रुपये जो एक्स्ट्रा बढ़ा के बिल में दिया है आपने, तो उनका कहना था कि कंपनी 30 रुपये छोड़ देती है, यानी एहसान करती है हम पे, है ना। आप सोचिए 150 में 20 रुपये और लगाएंगे, 180 के बिल में तो महाराजा थाली मिला करती है बाहर की, वो भी शानदार। सात किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अवध असम एक्सप्रेस पहुंच चुके अपने सातवें हॉल दीमापुर, जिसका स्टेशन कोड है DMB, और यहां पे स्टैंड का 5 मिनट का हॉल्ट है। अवध असम एक्सप्रेस का दीमापुर पहुंचने का टाइम है दोपहर के 3:55 पे, लेकिन ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 5 मिनट की देरी से यहाँ पहुँची है। टोटल प्लेटफॉर्म है 3, और यहाँ पर भी रोजाना 30 ट्रेनें आके रुकती हैं। दीमापुर नागालैंड का एकमात्र रेलवे स्टेशन है जहाँ पर रेल आती और जाती है, और साथ ही साथ नागालैंड का सबसे बड़ा सिटी भी है दीमापुर, और हांगकांग जैसा मार्केट भी दीमापुर में ही है दोस्तों। उतरने वालों की संख्या और चढ़ने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और अवध असम एक्सप्रेस जाना जाता है अपने भीड़ के लिए, क्योंकि असम से राजस्थान की तरफ मूव करती है, और सारे ही लोग जिनको जिनको जाना है लोकल या वैसे सब जाते रहते हैं। अप्रॉक्स कह सकते हैं 40%+ जो है गाड़ी भर चुकी है, आने वाले 2-3 स्टेशनों पे हो जाएगा कंप्लीट। और ये देखिए उनका जो पोशाक है, लोकल पोशाक,
नागा लोग का वो ऐसा है। वो भी नागालैंड से ही थे और असमिया थे लेकिन नागालैंड में रहते हैं, मतलब उनके बच्चे उच्चे लोग बहुत साल से रहते हैं। तो वो बता रहे थे कि नागालैंड के लोग जो हैं बस दो चीज़ नहीं कहते, ठीक है, अदरवाइज जिसमें से एक तो इंसान है, दूसरा आप समझ गए होंगे, अदरवाइज किसी भी कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू गोजर जो भी समझ लीजिए किसी को भी ये लोग नहीं छोड़ते। और सबसे महंगा कीड़ा मकोड़ा मिलता है यहाँ पर किलो के भाव से, ऐसा बोल रहे थे। अब कितनी सच्चाई है वो तो मुझे नहीं पता, ना ही मैं कभी सिटी में गया हुआ हूँ। बिल दिया है जी। हमें इस बिल में 100 रुपए पनीर का है जी। और पनीर उसमें 2 पीस था। पनीर के सब्जी में परवल कौन डालता है, बोरो कौन डालता है, थोड़ा हमें बता दीजिएगा। तो मिक्स वेज को पनीर बोला जाता है, मिक्स वेज में पनीर। बिल में आपने क्या लिखा है सर, हमको बता दीजिए। पनीर करी, पनीर करी में मिक्स वेज और पनीर करी सेम है, ये बताइए आप। नहीं, वो आलू का भुजिया बना था ना, स्टाफ के लिए बनता है, वो गलती हमारी है, बताइए, वो हमारी गलती है। आ गया पानी का बोतल, तो कोई भी नहीं। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, पूरा देखिए, अगर 15 प्रिंट लिखा है ये एक्सेप्ट कर रहे हैं एक चीज की, माल रख लीजिए। पनीर जो है इसमें पनीर जो 100 रुपए डाला गया है, 100 रुपए इस पे लिखा हुआ है। अब ये कह रहे हैं कि मिक्स वेज था, क्या ही गलती बताए, किस लेवल का फ्रॉड है। स्टैंडर्ड मिल 80 रुपया, देखिए क्या कह रहे हैं। बिल दे रहे हो 180 का, बताइए। 15 रुपए का ही पानी लिया, अरे उनको कितने का मिला वो पूछो ना यार। 20 रुपया भैया, पब्लिक आ गई, बोलो अभी, बोलो भैया। इतना हम लोग भी सफर करते हैं तो 15 रुपया मिल जाए। आप 10 रुपया देखिए, थोड़ा सा हम यही बोलना चाहेंगे, चाय पूरा नहीं दीजिए, हम लोग थोड़ा हल्का ही दीजिए, पर अच्छा चाय दीजिए। देख रहे कितने का है चाय, 10 रुपये का 10 भाई, स्टैंडर्ड की काय का 10 होती है आपकी चाय, कितने की होती है चाय, टी बैग वाली 10 रुपये, ये कितने की होती है ये 5 चाय। कितने का बेच रहा है भाई, 10 रुपये, कितने का बेच रहे तुम, बोलो ना कितने का बेच रहे हो। 7 रुपये, 7 रुपया चाय कितने में लिया भाई आपने, चाय कितना का बेच रहे हो, रेडीमेड चाय 5 रुपये का है, टी बैग वाली 10 का है। आप मिक्स वेज जब हमको दिए हैं तो पनीर कहाँ इसमें चढ़ावा है ये बताइए। पनीर दिए होगा इसलिए ना चढ़ाया, तो उसमें काहे को परवल डलवाए हैं और बोड़ो का सब्जी डलवाए थे उसमें, वो भी नमक का बिल्कुल नहीं है उसमें। ना ना नमक नहीं, सुनिए ये बताइए, ठीक है 150 भी आप लिया, ना पैसा हम पे कर दिए, पैसे की चिंता नहीं है हमें, उसके पैसा आपको पेमेंट कर दिया गया है। उसके साथ दही आता है, एक एक स्वीट आता है, वो कहाँ था दही या स्वीट दोनों में से एक रहता है ना, तो मिठाई के छोड़िए, दही हटा के मिठाई के जगह पे प्याज रखवा दिया, यही कहाँ का नियम है भाई। प्याज में खीरा नहीं था सर, प्याज में हरा मिर्च, खीरा मिठाई एक ही होते हैं। इतने लोग खाने वाले होंगे, बहुत अच्छे बहुत खराब, कौन है जो पनीर में परवल का सब्जी, परवल आलू बोड़ो डालता, भिंडी डालता, बताइए। नहीं था सर, अरे आलू बोड़ो था ना, आलू बोड़ो था, हाँ तो मिक्स वेज पनीर, पनीर का 100 रुपए पकड़ा था, आलू का भुजिया भी था, सर सुनिए मिक्स आलू का भाजी भी था सर, अरे आलू का भाजी जो था वो तो स्टैंडर्ड मिल है भाई साहब मेरे, स्टैंडर्ड मिल में आलू का भाजी कहाँ है सर, कहाँ, पनीर हटा दीजिए, आप दिए क्या सब्जी, हाँ चावल, हाँ पराठा, दहिया पराठा नहीं था महाराज, चावल दिया होगा डबल ना, हाँ तो डबल चावल, चावल दिया बराबर है, तो मान लीजिए एक सब्जी तो आपका बढ़ा ना, एक आलू का भाजी बढ़ा ना, आलू का भाजी बड़ा, सुन तो लीजिए पहले, आप जो पहले इसको पनीर हटा दीजिए, अब बाकी जो आइटम आप दिए हैं वो कौन सा आइटम हो गया, स्टैंडर्ड मिल बराबर ना, अब जो पनीर का आइटम जोड़े हैं क्या वो पनीर की सब्जी थी, हाँ या ना बोलिए। ठीक है मिक्स वेज थी, मिक्स वेज हो गई, तो आप बिल हमको मिक्स वेज का देते ना, एक बात सुन लीजिए, ठीक है हमने 180 का बिल काटा, हम ही बिल काटे, ये नहीं करेंगे हम नहीं दिए, आपको स्टैंडर्ड मिल में एक सब्जी, दाल, चावल, 2 पीस पराठा, दही या मिठाई दोनों में से कोई भी एक, कोई एक
ये होना चाहिए। हमने उसमें एक्स्ट्रा क्या दिया, मान लीजिए दो ही दाना पनीर निकल गया, ठीक है, एक आलू का भाजी भर गया, एक आलू का भाजी भर गया, लेकिन वो आपके मन से आपके साथ हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। बुलाइए अपने बंदे को जरा, किसको जाके बोल रहा है कि वेस्ट थाली में दो आइटम हमारे पास है, एक है 150 वाली और एक 80 वाली, बोला ये जरा मेरे को सीधे बोला है। आप लोग क्या कर रहे हैं और तो ये गलती नहीं, नहीं नहीं ये क्या कर रहे हैं, आला कार्ड आप अलग से पैक किया इसमें जोड़ रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। 100 रुपए का आला कार्ड पैक आपने जोड़ा है, हाँ आना हमको 150 का एक बिल लिख के दे दीजिए यहाँ पे, या 180 एक बार में वेस्ट थाली 180 आला कार्ड किसने मांगा, आला कार्ड का मतलब सही मांगा, वो गलती हमारी है ना, हमारी हमारे लड़के की गलती है। हाँ तो ठीक है, भुगतिए फिर जाइए, तो यही हो रहा है ना, ठीक है हम आपको नहीं देंगे तो हम ये है ना ना आप खिलाए हैं मिक्स वेज पनीर का पकड़ा दिए, और जितना आप दिए थे 100 रुपए मुक्त नहीं देते हैं आप, 100 रुपए अलग कार्ट में अलग से जिसमें आप सब्जी दिए थे हमको भुजिया वाली, भुजिया उसी में था ना, पनीर और करी आएगा है ना, क्वांटिटी वही रहेगी इतना सा, क्या 100 रुपए में जितना 125 ग्राम, हाँ 125 ग्राम था वो कंटेनर, आप कमा पे कंटेनर हम आपका वहाँ पे जिसमें, ठीक है कम है, हम मान लेते हैं कि आपका कम मिला, सब चीज तो कम ही था सर, प्रॉपर दिया क्या आपने, खाली प्रॉपर बिल दिया वो भी धोखाधड़ी वाला, प्याज दिया और कुछ नहीं दिया, दिया क्या आपने, ना आपका सब्जी सही था ना आपका, आप रोटी उसके साथ नहीं दिए, ये बताइए ठीक है। अच्छा बताइए किसी को रोटी अगर चाहिए तो रोटी आप नहीं देंगे, बिल्कुल देंगे, आपका बंदा काहे बोला कि डबल भात होगा रोटी नहीं मिलेगा, बिल्कुल देंगे, पूछिए आप लेट से बोले होंगे, जब ऑर्डर लेने आएगा तभी बोलेंगे, उसी समय ऑर्डर दिए थे हम, तो उसमें गलती है हमारे स्टाफ की गलती है, सब तो गलती है सही, तो सब समझो तो अर्थ सही होगा, आपकी गलती है जो गलती है, उसने बोला रात में मिलेगा अभी डबल भात मिलेगा, अब बताइए का ही किया जाए, ये गलती तो किया है, हमें पूछ के ही देना है, हम चाहे 150 का दे चाहे 50 का दे चाहे 100 का दे, 150 का आप दे नहीं पाएंगे ना, अगर 150 का देंगे तो 150 का बिल दीजिए ना, आप तो फिर कस्टमर के साथ ये चोरी कर रहे हैं, 100 रुपए एक्स्ट्रा मतलब कितना 8-7-15-70 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं सिर्फ दो पीस पनीर के लिए और इतना आलू के लिए, भुजिया के लिए, आलू के लिए नहीं, आलू का भुजिया, आलू का भुजिया नहीं, भुजिया नहीं नहीं भुजिया, अरे ऐसा कैसे ले रहे हैं, वन एक सब्जी तो इनको देना ही है, हाँ, एक सब्जी हमको फिर देना ही है। तो आपने क्या दिया और 70 रुपए में आलू भुजिया और वो तो कहीं ना कहीं वो है ना, या तो पनीर मानिए या तो आलू भुजिया मानिए, सब्जियां तो एक ही दिए थे आप, या उसको मिक्स वेज मानिए, 80 रुपए वाले भुजिया दिए हैं तो मिक्स वेज कैसे मानेंगे, ये पहले बताइए, आलू भुजिया हम दे चुके हैं, आलू भुजिया आप 70 रुपए का, हाँ तो ठीक है ना, फिर अगर ये सब्जी मान रहे हैं पनीर वाला स्टैंडर्ड मिल के साथ, तो हम 70 रुपए का भुजिया था, बताइए कहीं से कान ऐसे पकड़ ऐसे पकड़ के आ नहीं रहे हैं, आप अपने ही बातों में तो फिट नहीं आ रहा है, 70 रुपए का फिर इतना भुजिया हुआ, अब बिल हमें पकड़ा दिया आपने 180 का, ये बताइए बात तो वही हुआ ना, फिर वो आपसे बिल मांगेगा आप लोगों के खिलाफ कंप्लेन करेगा, उसके साथ कम पैसा लिया जाएगा जो नहीं मिलेगा, बाकी लोग पैसा कम का लिया जाएगा, माने 80 का खाना तो 80 वाला खाना देंगे, 80 लेंगे कोई नहीं बताता, हमने तो उनसे पूछा कोई और भी है, हमने उनको ये भी बोला बाद में आपको भुगतना ना पड़ेगा, तो सर आप कहना क्या चाहते हैं, पैसा दे दीजिए हम जा रहे हैं, हमने लिया लो तुम 200 बोलो हम 200 चलो मिक्स वेज बोलते ये पनीर का हमको बिल पकड़ा दिए हैं, अब बताओ क्या धांधली है, किस लेवल तक की है, खाना खाए थे आज का, खाना अच्छा था, खाना नॉर्मल था ना, अच्छा था ना, खराब नॉर्मल था, एवरेस्ट से ऊपर था नीचे, एवरेस्ट से ऊपर या नीचे, मतलब आप ही 10 में से कितना उसको नंबर दे देंगे खाने का, आपका ही बंदा बना होगा, हैं नंबर देंगे ना 50% तब बताइए, आप पैसा लिए हैं पूरा चाप के तक, यानी 50% पे दमा बेच रहे हैं यार, आपका खाना अच्छा नहीं तो हम तो बोल रहे हैं ना कि सर अगर खाना नहीं तो पैसा नहीं, ठीक नहीं खाना नहीं, ये आप ही का बात नहीं बोल रहे हैं, पूरे पैसेंजर का हम बोल रहे हैं, पूरे पैसेंजर की बात हम बोल रहे हैं, जब जो चीज अच्छा ही नहीं रहेगा पेमेंट हम किस चीज का करेंगे, कोई है नमक खाना में भी नहीं, नहीं है नमक नहीं था भाई इसमें, आपका यही खाना है आप इसको जूम कर लीजिए, अब ये सारा देख लीजिए, हम तो अचार के ऊपर नमक का पाउच डालते हैं, ठीक है, अब अचार के ऊपर आई अब प्याज के नीचे नमक का पाउच ढूंढवा रहे थे हमसे, चलिए भाई सब तो हमारा बिल जो है, देखिए मैं एक नई चीज बता दूं,
ऐसा भी एक बिल में लफड़ा चल रहा है कि आपको सब्जी देंगे अगर मान लीजिए मिक्स वेज, ध्यान दीजिएगा इस बात का कहीं पनीर का बिल ना पकड़ा दे। आपने अभी ये बोला कि भाई साहब खाना अच्छा नहीं था, तो भाई खाना अच्छा नहीं है पैसे क्यों ले? बिल के किस बेसिस पे आपने पनीर का काट के दिया 180 का, जरा बताया? बिल आपने ही काटा है ना? हाँ, बिल हमने काटा है। उसको तो छोड़िए, उसने जो किया आपने क्या किया बताइए जरा मुझे। गलती तो प्रॉपर आपकी भी है, उतनी है जितनी उसकी है, उतनी है। उसने गलती करी, आपने मोहर लगा के भेजा है और इसी का भी आप पे मैंने आगे कंप्लेंट खेला है। हमारी गलती है, हम तो मान रहे हैं। खिलाए हैं मिक्स वेज पनीर का, पैसा पर ले रहे हैं हमसे। मालूम आप नहीं बोलना चाहते हो, अकेले हो या डर रहे हो? क्यों डर, डरने का कोई बात नहीं, बात बता रहा हूँ। यहाँ पे डर जाएंगे, मैं उठा लेंगे गाड़ी में से, ऐसा है वो तो है ही, गलत जो करेगा तो करेगा ही, हमारा घर है, उठा लेंगे। क्यों डरेंगे? क्यों डरेंगे? रेलवे ने आपको अधिकार दिया डरने के लिए? नहीं, आप पैसा किसको दे रहे हैं? आपने जो टिकट बुक किया है किसको दे रहे हैं? सरकार को दिया ना, तो सरकार आपको सुविधाएं दे रही है। पानी दिया उसको ना 15 का, नहीं दिया ना, हम बोले की 15 सकते हैं ना, ना बुलाने, सुनो उसको बुला के यार, कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी बात समझो यार, उसको भी तो कहीं ना कहीं से प्रेशर पड़ा होगा ना यार। बिल्कुल कोई चीज उस पर प्रिंट लिखा हुआ है, ठीक है, कोई भी स्टाफ आता है तो चाहे पेंटिंग कार का हो या बाहर का हो, आप उसको जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, मार्केट से ज्यादा अगर जो मांगे पैसा तो। और जिस पे आपको नहीं लग रहा है कि ये चीज नहीं लग रहा है, उसका कहिए बिल लेके आओ तो पेमेंट करेंगे, और ये चीज नहीं होता तो उसका जिम्मा हम। दोस्तों अभी हमारी गाड़ी आ चुकी है अपने 13वें हॉल्ट गुवाहाटी स्टेशन कोड है GXY अवध असम एक्सप्रेस का। यहाँ पहुँचने का समय था रात के 9:45 पे, लेकिन ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से लगभग 1 मिनट बिफोर जो है, 1 मिनट पहले जो है यहाँ पे पहुँची है। अभी यहाँ पे कुल 7 प्लेटफॉर्म में 62 ट्रेनें आके रुकती हैं, 39 ट्रेनें यहाँ से बन के चलती है, 39 ट्रेनें ही आके यहाँ पे टर्मिनेट हो जाती हैं। और यहाँ पे इस ट्रेन का लगभग 15 मिनट का हॉल्ट है, ठीक है। तो चलिए, और अभी मैंने ब्लैक चश्मा वैसे रिमूव कर दिया है ना, इसका कारण है आपको जो रेडनेस है, जैसे आपको पता है आई फ्लू का चल रहा है अभी, तो रेडनेस मेरा बहुत हद तक कम हो गया है, तो अभी मैंने रिमूव कर दिया है। ओवरऑल प्लेटफॉर्म की साफ़ सफाई की बात की जाए तो अच्छा है, आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए काफ़ी क्लीन है। मिलते हैं आपसे कल अर्ली मॉर्निंग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।